का वीके न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे राज्यसभा सीट के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उनकी सोच है कि वे लोगों के सामने किसी पार्टी विशेष की विचारधारा के साथ नहीं दिखना चाहते हैं। तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ कथित पॉन रैकेट मामले में देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र को दहाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो एमएनएस खुद इसे ध्वस्त कर देगी। तो उधर महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भ्रष्टाचार के आरोपी कारोबारी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ जांच न करने को कहा गया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति फिर से राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राजे इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अब इस बार उनके भाजपा राकांपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब खुद संभाजी राजे ने इसका खंडन करते हुए कहा कि वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे उनकी ये सोच है कि वे लोगों के सामने किसी पार्टी विशेष की विचारधारा के साथ नहीं दिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। मैंने 6 साल जनता के लिए काम किया है। मैं गरीबों के लिए काम करना जारी रखना चाहता हूँ और उनके लिए न्याय चाहता हूँ। उन्होंने सभी दलों से समर्थन देने की अपील की है। महाराष्ट्र से 6 राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल, विनय सहस्रबुद्धे और विकास महात्मे, पी चिदम्बरम, प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चारों दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इन 6 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। संभाजी राजे द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा के बीच शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी 6ठी सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। ये साबित करता है कि शिवसेना संभाजी राजे के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है। भाजपा ने भी बची हुई 1 सीट पर चुनाव लड़ने के साफ संकेत दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा संभाजी राजे का समर्थन नहीं करेगी। वहीं अपनी 3री सीट के लिए पार्टी धनंजय महाड़िक और विनोद तावड़े जैसे नेताओं पर विचार कर रही है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित पॉन रैकेट मामले में देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर है। कुंद्रा पर हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए अश्लील फिल्में शेयर करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को पिछले साल सितंबर में जमानत मिल गई थी। इस केस के बाद अब एक्ट्रेस और उनके पति दोनों से जल्द पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा की कंपनी में 13 अलग अलग अकाउंट से पैसे भेजे गए हैं। ये पॉर्न फिल्मों से हुई कमाई है। जांच के मुताबिक फरवरी 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉटशॉट्स नाम के ऐप को डेवलप किया। इस हॉटशॉट्स ऐप को राज कुंद्रा ने ब्रिटेन की कैनरिंग नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था। इस कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी असल में राज कुंद्रा के जीजा है, लेकिन इस हॉटशॉट्स ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरिंग कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी विहान ने टाई अप किया था। लिहाजा इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन विहान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में होते थे। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग मान रही है। वहीं मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हॉटशॉट्स पॉर्न मूवी का एक प्लेटफॉर्म था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल कुछ दिन पहले डोंबिवली के संदप गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की खदान के पानी में डूबकर मौत हुई थी। इसमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इलाके में पानी की किल्लत के चलते लोग खदानों और तालाबों में जाकर कपड़े धोने और बाकी का काम करते हैं। पानी के चलते 5 लोगों की जान जाने के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। संदप गांव में पानी की कमी के चलते लोग आज भी टैंकर से पानी भरते हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले डोंबिवली के संदप गांव पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें परिवार के लोगों ने और स्थानीय लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्हें वहां से निकलना पड़ा। पत्रकारों से बात करते हुए जैसे ही रामदास आठवले ने आर्थिक मदद की बात कही, बस इतना सुनना था कि पीड़ित परिवार के लोग आठवले पर आग बगुला हो गए। वो कहने लगे कि हमें योजना और पैसों की नहीं, तत्काल पानी की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री व्यथा दूर करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी इस परेशानी को दूर करें। राजनीतिक आश्वासन से हमें कोई फायदा नहीं और दूर के सपने हमें देखने भी नहीं। इस दौरान मंत्री रामदास आठवले खामोश रहकर गांव वालों की बातें सुनते रहे। बीच बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों के तेवर को देखते हुए शांत ही बैठे रहे।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद स्थित इस कब्र को ढहाने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो एमएनएस खुद इसे ध्वस्त कर देगी। एमएनएस का कहना है कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी और क्रूरता से मारा था, उसकी कब्र को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा क्यों मुहैया करवा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी के बाद पुलिस ने कब्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने पर्यटकों और अन्य स्थानीय लोगों के लिए भी कब्र के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एमएनएस नेता गजानन काले ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि इस मकबरे को गिरा दिया जाना चाहिए, फिर भी अभी तक ये मौजूद क्यों है। काले ने यह भी आरोप लगाया कि इस मकबरे को सुरक्षा मुहैया करवाना हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी राजे को बेरहमी से मारा था, जिसने हमारे स्वराज्य को रौंदने का प्रयास किया था, उसे महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के मामले पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भ्रष्टाचार के आरोपी कारोबारी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ जांच न करने को कहा गया है। पूर्व लोकसभा सदस्य सोमैया ने कहा कि नवलानी के खिलाफ राज्य की दो एजेंसियों की विशेष टीम गठित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों के नाम पर धन स्वीकार करने के मामले में नवलानी के खिलाफ दो अलग FIR दर्ज की गई है। सोमैया ने बताया कि एक FIR EOW की ओर से दायर की गई थी तो दूसरी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से। मेरी जानकारी के अनुसार EOW को जांच आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सोमैया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसने कथित तौर पर EOW को दक्षिण मुंबई में एक रेस्टोरेंट मालिक नवलानी के खिलाफ आगे की जांच न करने के लिए कहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एक ही अपराध की जांच के लिए दो SIT कैसे गठित की गई, EOW ने गुपचुप तरीके से जांच क्यों रोक दी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवलानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। इसका अर्थ है कि पार्टी का आधिकारिक रुख है, तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र SEBI ने इस महीने की शुरुआत में एक FIR दर्ज होने के बाद नवलानी के खिलाफ पिछले सप्ताह लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि व्यवसायी ने 2015 और 2021 के बीच निजी कंपनियों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के नाम का उपयोग करके 58,96,00,000 रुपए एकत्रित किए थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद की घोषणा को आगे ले जाने के लिए अब राज्य स्तर पर भी इस तरह के 2 दिवसीय शिविर आयोजित करने को कहा गया है। तो कांग्रेस के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज 19 मई से शुरू हो रही है। वही भारत और पाकिस्तान समय से पहले ही भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसी बीच यूक्रेन संकट और COVID-19 महामारी से प्रभावित भारतीय मेडिकल छात्रों को देश के कॉलेजों में अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद के लिए संभावित नीति या योजना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है। तो उधर इस महीने दूसरी बार LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह घरेलू सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ है तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद की घोषणा को आगे ले जाने के लिए अब राज्य स्तर पर भी इसी तरह के 2 दिवसीय शिविर आयोजित करने को कहा है। इसमें सांसदों, विधायकों, संभावित उम्मीदवारों, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और पार्टी के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इन शिविरों का नेतृत्व महासचिव व प्रदेश प्रभारी करेंगे। 2 दिवसीय शिविर में उदयपुर घोषणा से उठाए गए बिंदुओं की सही तरीके से क्रियान्वित करने पर चर्चा की जाएगी। AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल व रणदीप सुरजेवाला ने इस बारे में प्रदेश व जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया है। प्रदेश में शिविर आयोजित होने के बाद 11 जून को जिला कांग्रेस कमेटियों में भी अनुवर्ती अभ्यास के रूप में शिविर का आयोजन होगा। इन शिविरों में AICC के सभी महासचिव और प्रभारी पूरे 2 दिन राज्य स्तरीय शिविर में बताएंगे। इसमें जिला स्तर के शिविरों का एजेंडा भी तय किया जाएगा। बता दें कि AICC की ओर से भेजे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि साल 9 अगस्त से प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की जाएगी, जबकि 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समापन के लिए कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में राज्य स्तरीय विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य स्तर पर एक राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया जाएगा जो हर महीने में एक बार बैठक करेगी।
कांग्रेस के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज 19 मई से शुरू हो रही है। बैठक 21 मार्च तक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न धड़ों में बटी राजस्थान भाजपा को एकजुट करने की है। वसुंधरा राजे विरोधी गुट के ज्यादा सक्रिय होने से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नाराज बताई जा रही है। सीएम फेस को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की बयानबाजी से वसुंधरा खेमा असहज महसूस कर रही है। सतीश पूनिया समेत वसुंधरा विरोधी गुट का कहना है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और कमल के फूल पर ही लड़ा जाएगा। वसुंधरा समर्थक इस तरह की बयानबाजी को कटाक्ष के तौर पर मान रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में 19 से 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों व संगठन महामंत्रियों की बैठक में देशभर के 132 प्रमुख नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 मई को बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भाजपा की विकास यात्रा और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं डिस्प्ले की जाएगी। 19 से 21 मई तक होने वाले 3 दिन के चिंतन में राजस्थान के भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के टास्क दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान समय से पहले ही भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन ने उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की आशंका को 100 गुना अधिक बढ़ा दिया है। दोनों ही देश तापमान और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं, जिससे आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ब्रिटिश मौसम कार्यालय के अनुसार क्षेत्र में साझा रूप से उच्चतम औसत तापमान 1990 के बाद से 2010 में दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने 2010 के उन महीनों में दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ तापमान से अधिक गर्मी की आशंका का अनुमान लगाने के लिए एक एंट्रीब्यूशन अध्ययन किया। बुधवार को मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि 2010 में दर्ज किए गए औसत तापमान से अधिक गर्मी की आशंका 312 साल में एक बार होती थी, अब ये संभावना 3.1 साल में एक बार हो गई है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। अध्ययन के अनुसार इस सदी के अंत तक यह आशंका 1.15 साल में एक बार हो जाएगी। अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन प्री मानसून गर्मी की तीव्रता को बढ़ा रहा है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किए जाने की आशंका 100 गुना अधिक हो गई है। यूक्रेन संकट और कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारतीय मेडिकल छात्रों को देश के कॉलेजों में अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद के लिए संभावित नीति या योजना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS छात्रों को यहां के मेडिकल कॉलेजों में क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति के संबंध में 2 महीने में एक योजना तैयार करने के लिए नियामक निकाय को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य मंत्रालय का विचार मांगा है। विदेश मंत्रालय ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को भारतीय निजी चिकित्सा संस्थानों में एक बार अपवाद के आधार पर विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे छात्रों के लिए मेडिकल डिग्री कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने पर विचार करने के लिए लिखा था। वर्तमान में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के तहत विदेश में मेडिकल पाठ्यक्रम करने वाले भारतीय छात्रों को अकादमिक सत्र के बीच समायोजित करने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। एक सूत्र ने कहा है कि यूक्रेन संकट और महामारी से प्रभावित भारतीय मेडिकल छात्रों को देश के कॉलेजों में अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए नीति या योजना के संभावित निर्धारण पर प्रारंभिक चर्चा हुई है, लेकिन कुछ भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे छात्र 20,000 से अधिक हो सकते हैं और भारत में कॉलेजों में मौजूदा शैक्षणिक सत्रों के बीच इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करना मुश्किल काम है। महंगाई से त्रस्त आम आदमी को आज सुबह सुबह एक और झटका लगा है। इस महीने दूसरी बार LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ है तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस महीने दूसरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 7 मई को सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। घरेलू सिलेंडर के साथ साथ 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है। आज इसकी कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही पूरे देश में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 809 रुपए से 1,003 रुपए पर पहुंच गया था। घरेलू LPG के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। अप्रैल में इस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था, फिर 7 मई को इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई थी। आज की बढ़ोतरी के बाद शहर में इसकी कीमत 1,000 रुपए के पार पहुंच गई है। 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई थी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में उछाल आई है। इस कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
पाकिस्तान के पालतू कश्मीरी आतंकी यासिन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की अदालत में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार लाल हो गई है। तो यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बम को लेकर चेतावनी दी है। वहीं पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चीन बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हरकत करने की तैयारी में है। इसी बीच रूस ने अपनी खुद की एंटी ड्रोन लेजर क्षमता विकसित कर ली है और पहले से ही यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो उधर यूरोपीय संघ चाहता है कि वो इस साल के अंत तक 2/3 तक गैस सप्लाई को कट कर दे और 2030 तक स्वतंत्र रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हो जाए। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान के पालतू कश्मीरी आतंकी यासिन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की अदालत में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार लाल हो गई है। एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कानून के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान को तीखी मिर्च लगी है और उसने भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब करके कूटनीतिक आपत्ति जताई है। यासिन मलिक के खिलाफ कोर्ट आज 19 मई को सजा सुनाएगी। पाकिस्तान ने यासिन मलिक को लेकर भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान दिए और दावा किया कि यासिन मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत है। यासिन मलिक इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। इससे भी पाकिस्तान सरकार काफी भड़क गई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीरी नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि यासिन मलिक का जेल में स्वास्थ्य खराब है और उसे इलाज नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने यासिन मलिक को राजनीतिक कैदी बताया और रिहा किए जाने की मांग की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत से मांग की है कि यासिन मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लिया जाए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि वे यासिन मलिक के साथ व्यवहार को लेकर भारत के खिलाफ एक्शन लें। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बम को लेकर चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन में मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों पर रणनीतिक एटम बम गिराने से परहेज नहीं करेंगे। इससे दुनिया में परमाणु महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन की जंग में अगर रूस फिर से बढ़त हासिल करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो नाटो देशों के पास 4 विकल्प होंगे। इसमें रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अंदर या बाहर एक या कई परमाणु बम का इस्तेमाल, रूसी सेना के खिलाफ परंपरागत हथियारों से हमला करना, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखना या यूक्रेन पर संघर्ष को खत्म करने के लिए दबाव डालना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे डरावना विकल्प बिना किसी संदेह के ये होगा कि नाटो देश खुद ही परमाणु बम का इस्तेमाल करे। इससे दुनिया में परमाणु महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं अगर पुतिन एक परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन में करते हैं तो ये रणनीतिक परमाणु बम होगा जिसको सैन्य यूनिटों को निशाना बनाने और जमीनी हालत को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर रूस ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया तो उसे नाटो देशों से भी इसी तरह का जवाब मिल सकता है। पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चीन बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हरकत करने की तैयारी में है। म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन अपनी एक्सेस बना रहा है जिससे वो हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के यंगून पोर्ट से चीन के युन्नान प्रांत के लिए कार्गो रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। दरअसल चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। इसके जरिए वो अपने युन्नान प्रांत से म्यांमार के क्योंगफ्यू पोर्ट तक पहुंचना चाहता है जो पश्चिमी म्यांमार से आता है। हिंद महासागर में आने वाले इस पोर्ट पर पहुंचकर चीन बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। खासतौर पर इस कॉरिडोर के चलते चीन की नेवी बंगाल की खाड़ी में भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। इसके अलावा चीन को अपने ऑयल शिपमेंट्स में भी स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का जाए बिना मिल सकेंगे। दरअसल हिंद महासागर में चीन लंबे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2049 तक उसने नौसैन्य ताकत में अमेरिका को पीछे छोड़ने का भी लक्ष्य तय किया है। वहीं अमेरिका और भारत भी उसे रोकने के लिए साझा प्रयास करते रहे हैं। रूस ने अपने खुद की एंटी ड्रोन लेजर क्षमता विकसित कर ली है और पहले से ही यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि इसकी सीमा 5 किलोमीटर है और इसका उपनाम जादीरा यानी संकट मोचक रखा गया है। इसका रहस्य उद्घाटन तब हुआ जब बोरिसोव यूक्रेन में विकसित किए जा रहे उन्नत हथियारों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने नए हथियार की तुलना 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पहली बार अनावरण की गई एक लेजर प्रणाली
पेरिसेविट से की, जिसका सटीक उद्देश्य उस समय नहीं बताया गया था। अधिकारी ने पुष्टि की कि पेरिसेविट को ऑप्टिक सेंसर को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें जासूसी उपग्रह भी शामिल है जो पृथ्वी की परिक्रमा 1500 किलोमीटर तक करते हैं। रूसी सेना के लिए ऐसी प्रणालियों को प्राप्त करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर बोरिसोव ने कहा कि उन्हें पहले से ही आपूर्ति की जा रही थी। ये पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान में ड्रोन विरोधी लेजर तैनात किया गया था, मंत्री ने स्वीकार किया कि पहले नमूनों का इस्तेमाल किया गया था। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार लेजरों में हथियार के रूप में कई कमियां हैं, जिनमें भारी बिजली की जरूरत और बीम का बिगड़ना शामिल है, जो हवा में धूल और जल वाष्प का कारण बनता है। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप अपनी गैस की जरूरतों के लिए रूस पर कम निर्भर रहना चाहता है। इसी क्रम में कई अफ्रीकी देश अब इस उम्मीद में हैं कि वो यूरोप को अपनी गैस का निर्यात बढ़ा सके। रूसी मुद्रा रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद रूस ने पोलैंड और बेलारूस को गैस देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से माना जा रहा है कि यूरोप के लिए खतरे की चेतावनी है। दुनिया में रूस में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है और वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। यूरोप में 40% गैस रूस से ही आयात की जाती है। यूरोपीय संघ चाहता है कि वो इस साल के अंत तक 2/3 तक गैस सप्लाई को कट कर दे और 2030 तक स्वतंत्र रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हो जाए। हालांकि इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि इस महाद्वीप के प्रमुख निर्यातकों के पास साजो सामान की दिक्कत हो सकती है। यूरोप की ऊर्जा नीति में बदलाव से सबसे अधिक अल्जीरिया को फायदा हो सकता है। उत्तर अफ्रीकी देश इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातक है और उनके पास यूरोप के साथ सबसे बेहतर गैस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीते महीने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अल्जीरिया के साथ नए गैस सप्लाई का सौदा किया था, जिसके तहत गैस आयात को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दूसरी सप्लाई की तलाश के तहत इटली की ये सबसे बड़ी डील है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।